हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे फ्राइड मोदक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश चतुर्थी आ रही है और मोदक गणेश जी के फेवरेट हैं। तो आज गणेश पर्व पर हम बनाते हैं उन्हीं के फेवरेट फ्राइड मोदक। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं मोदक बनाना। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा, इसको हम बॉल में डालेंगे, और साथ में लिया है 1 टेबल स्पून सूजी, इसको भी मैं इसी के साथ ऐड करूंगी। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 2 टेबल स्पून जितना घी। ये हम मोयन के लिए डाल रहे हैं, इससे मोदक बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए हमें इसको मिक्स करना है, जिससे मैदा, सूजी और मोयन अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक टाइट डो तैयार करना है। डो हमें थोड़ा सा टाइट ही रखना है। ये देखिए, ये एक टाइट डो बनके तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगाकर चारों तरफ से, और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये डो सेट होता है, तब तक हम मोदक के फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मोदक की फिलिंग के लिए यहां पर मैंने लिया है 3/4 कप कोकोनट पाउडर, 1/2 कप गुड़, 1 टेबल स्पून जितना घी, साथ में लिए हैं थोड़े से बादाम, किशमिश, काजू और 1 चम्मच जितने तिल। सबसे पहले हम काजू और बादाम को दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, काजू और बादाम को मैंने पीस लिया है। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में मैं डालूंगी नारियल का बूरा, साथ में मिलाएंगे ये जो ड्राई फ्रूट हमने दरदरे पीसे हैं, थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से तिल, और साथ में ये जो गुड़ हमने लिया है इसको भी इसी में मिला देंगे। गुड़ को मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है। अब इसमें मैं मिलाऊंगी 1 टेबल स्पून जितना घी। घी को मैंने हल्का सा गरम करके डाला है, ठंडा हमें नहीं डालना है। अब इसको हाथों से इस तरह से मलते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये सभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। घी डालने से इसमें बाइंडिंग अच्छी आती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं। ये हमारी मोदक की फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और चलते हैं डो की तरफ। डो को हम इस तरह से थोड़ा सा मसलेंगे और इसको सॉफ्ट और स्मूथ बनाएंगे। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए या पूड़ी बनाने के लिए डो को सेट करते हैं, उसी तरह से हमें इसको थोड़ा सा मथना है। ये देखिए, डो अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे, छोटा सा पूड़ी जितना, इस तरह से इसका बॉल बनाएंगे। इस तरह से अच्छे से मथते हुए स्मूथ हमें इसका बॉल बनाना है। अब प्लेटफॉर्म पे मैं थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करूंगी और इसको पूड़ी के जैसे हम थोड़ा सा मोटे थिकनेस का बेलेंगे। ये देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। अब इसको इस तरह से हम हाथों पे लेंगे और ये जो हमने इसकी फिलिंग तैयार करी थी वो इसमें भरेंगे। अब इस तरह से इसको साइड में हम फोल्ड करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। अब इन सबको आपस में हम जोड़ेंगे। ये देखिए, इसको मैंने जोड़ दिया है। ये बहुत ही अच्छा इसमें मोदक का शेप आया है, ये आपको दिख रहा है बिल्कुल मोदक जैसा। ये देखिए, ये बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में रख दूंगी और बाकी बचे हुए मोदक भी इसी तरह से तैयार करूंगी। ये देखिए, ये मैंने बना के तैयार कर लिए हैं हाथों से।
अगर आपके पास इस तरह का सांचा हो तो हम इससे भी बना सकते हैं। इसमें वही जो डो हमने लिया था उसको लेंगे और इस तरह से फिलिंग करेंगे। बीच में हम हाथ से ऐसे एक छेद करके इसको चारों तरफ से फैला देंगे। चारों तरफ से आप दबाइए अच्छे से। ये देखिए, अच्छे से दबाकर मैंने इसको फैला दिया है और बीच में ये होल छोड़ दिया है। अब यही वाली फिलिंग हम इसमें भरेंगे। ये देखिए, फिलिंग को भी मैंने अच्छे से भर दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा आटा हम और रख देंगे और इसको अच्छे से दबा देंगे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। ये देखिए, इसको अच्छे से दबाकर मैंने पैक कर लिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं। इसको हमें धीरे धीरे ही खोलना होगा, नहीं तो हमारा मोदक टूट जाएगा। ये देखिए, ये परफेक्ट मोदक शेप बनता है और अच्छे से अगर पैक किया है तो ये टूटेगा भी नहीं। बाकी बचे हुए मोदक मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, सभी मोदक बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। ये दोनों ही तरह से बनाए हैं। आप चाहें तो प्लेन हाथों से भी बना सकते हैं और अगर आप इस तरह के सांचे से बनाएं तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये जो मोदक बनाने का सांचा है ये बाजार में आसानी से मिल जाता है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ और इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। मोदक को तलने के लिए पैन को मैंने गैस पे रख दिया है। इसमें तेल डाला है और तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मोदक। इसको हमें धीरे धीरे ही डालना है। बहुत सारे हमें एक साथ नहीं डालने हैं, एक बार में पैन में जितने आएंगे उतने ही इसको हम डालेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम गैस को रखेंगे और इसको नीचे से तलने देंगे। उसके बाद इसको टर्न करेंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा तेल भी हम साथ साथ इसमें डालते रहेंगे। ये नीचे से थोड़े थोड़े तल गए हैं। अब हम इसको धीरे धीरे इस तरह से टर्न करेंगे। पूरा टर्न नहीं करना है, हल्के हाथों से थोड़ा सा इसको हम टर्न करेंगे। ये एक साइड से थोड़े थोड़े तल गए हैं, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह हम इसको गोल्डन होने देंगे। ये देखिए, चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, मतलब ये तल गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। और बाकी बचे हुए मोदक भी हम इसी तरह से तल लेंगे। ये देखिए, सभी मोदक तल के तैयार हो गए हैं। ये हमने हाथों से बनाए हैं। देखिए कितना अच्छा शेप इसका आया है मोदक का। और ये हमने सांचे से बनाया है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।